बाड़मेर जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में अज्ञात लोगों ने छात्र संघ कार्यालय में तोड़फोड़ की। घटना का पता लगने पर पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी ने कॉलेज प्रशासन पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि मामला दर्ज करवाया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आज हमारा ये प्रोग्राम था कि कॉलेज में सफाई और लाइब्रेरी को विशेष रूप से हम साफ करेंगे, तो कॉलेज के लड़के और हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी नवल जी और सोनराज जी वो यहाँ आए थे। तो कुछ एनएसएस के लड़के कॉलेज की सफाई के हिसाब से स्टूडेंट यूनियन के रूम में भी गए, भाई वहाँ सफाई करें। वहाँ गए, जब उन्होंने ये देखा और उन्होंने मेरे को इतला दी, इतला देने पर मैं यहाँ आया, मौके पर भी गया। जिन भी लड़कों ने किया है बिल्कुल ही निंदनीय है, जानबूझ के उन्होंने किया है, कॉलेज की और राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई। घटना रात को ये जो छात्र संघ कार्यालय का गेट है ये तोड़ दिया गया है और इसके अंदर जो भी सामग्री थी, कांच वगैरह, टेबल वगैरह सब तोड़ दिए गए असामाजिक तत्वों द्वारा। कॉलेज के द्वारा यहाँ एक संविदा पे कर्मचारी भी रखा गया है, बट वो कर्मचारी बोल रहा है कि मेरे को पता नहीं है कि मैं सो गया था या फिर या नहीं था, ऐसे कुछ उसका जवाब, मतलब कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इससे मेरे को ये लग रहा है कि इसमें सब ये काम जो भी हो रहा है मिली भगत से हो रहा है। मैं इसमें यही चाहता हूँ कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।